सारे किसान भाई ने राम राम। तो किसान भाई मैं अमित मोरदोल आज आपके लिए 18 वाले एरो की वीडियो लेकर आया हूँ। तो किसान भाई ये नई एरो है, बिल्कुल 9x9 की, 9 तो ये पीछे है 9 आगे है। तो कोई भी किसान भाई एरो खरीदने से पहले उसकी वीडियो जरूर देख ले। तो किसान भाई ये जिंदल इंजीनियरिंग वर्क्स कैथल की बनी हुई एरो है। तो किसान भाई इस एरो का रिव्यू हम आपके लिए कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग ट्रैक्टर पर चलाकर भी दिखाएंगे इस एरो को। तो किसान भाई ये काफी भारी एरो है, इसको आप सूखे आले जैसा दिख रहा आप ऐसे खेत में जुताई कर सकते हैं इस एरो के साथ। ये नहीं है कि भाई ये गिल्ली या जो पानी दी हुई जमीन में ही लगेगी, नहीं, आप सूखी जमीन में भी लगा सकते हैं, यानी कि कठोर जमीन है जो उसमें भी ये कामयाब एरो है। तो किसान भाई यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो किसान भाई आपने इस वीडियो में इस एरो की कुछ खास बात बताओगे कि इस एरो में क्या खास है। तो किसान भाई ये सिंपल फ्रेम की बनी हुई एरो है, ये प्रेशर वाले या डिस्क एरो नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एरो है। आपको नीचे उतर के खोलनी पड़ेगी और नीचे उतर के बेड़नी पड़ेगी। तो किसान भाई जो यदि हम इसके फ्रेम की बात करें तो इसमें 4 इंची फ्रेम दिया गया है, आप देख रहे हैं ये 4 इंची फ्रेम है। और जो बीच वाले फ्रेम है जो छोटे छोटे, ये आपको 3 इंची फ्रेम मिलेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यदि हम इसके बैरिंग की बात करें तो इसमें डबल बैरिंग के साथ दिए गए हैं, देखिए आप। और पीछे इसमें बैरिंग आपको बाहर वाली साइड नहीं मिलेगा, आपको अंदर वाली साइड मिलेगा, बाहर सिर्फ आपको नट मिलेगा, आप देखिए अंदर दिया गया बैरिंग। काफी हैवी एरो बनाई गई है। तो किसान भाइयों जो इसके अंदर दिया गया ब्रैकेट और उसके अंदर 2 बैरिंग है, इस ब्रैकेट यदि आपके एरो में बाहर है तो आप एरो को डोल के नजदीक से स्पाई नहीं करती अच्छे से। इसमें अंदर दिया गया ब्रैकेट, यानी कि यदि आपका खेत ऊंचा नीचा है तो भी आपकी एरो बिल्कुल अच्छे से खेत के पास से स्पाई करेगी। और इस एरो में और एक खास बात है, ये खेत को ऊंचा नीचा नहीं होने देती, इसमें ऊंचा नीचा नहीं होता, ये जब आप गेड़ा लाते हैं तो ये मिट्टी नहीं छोड़ती, जब आप एरो को मोड़ते हैं तो मिट्टी साथ नहीं आती इसके। तो किसान भाइयों इसमें जो टायरों का धुर है ये भी काफी मजबूत दिया गया है। और इसमें एक और सिस्टम आपको मिलेगा, आप खेत में भी एरो को बंद कर सकते हैं आसानी से, टायर लगा सकते हैं, टायर उठा सकते हैं आसानी से। आप नजदीक से देखिए क्या सिस्टम दिया गया है, देखिए आप यहाँ पर किल्ली दी गई है आपको और यहाँ पर एक पाइप डालना है, देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक पाइप डाल के इसको ऊपर नीचे करना है, ऐसे आपकी एरो खुलेगी। और यहाँ पर आपको ये सिस्टम दिया गया है उठाने के लिए, ये पाइप दी गई है, आप ये पाइप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको ये पाइप यहाँ पर लगाना है, ऐसे लगा के आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपको वहां पर जो टायर है वो आगे हो जाएंगे। तो चलो वहां पर दिखाते हैं आपको क्या होता है। तो देखिए आपके टायर ऐसे अंदर की तरफ आएंगे यदि आप इसको दबाएंगे तो। तो किसान भाई आप ऐसे टार लगा के आपको दोबारा यहाँ पर ये डाल देना है, आपको दोबारा यहाँ पर ये डाल देना इस प्रकार, देखिए आप ऐसे डालकर 3 लगा दें। तो किसान भाई इंडिया की नंबर 1 एरो है ये। तो कल ना आपको ये एरो चला के भी दिखा दिया यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, न्यू लैंड 3630 सौरज 855 5 स्टार मैसी 95 स्मार्ट सीरीज ABCD गेयरबॉक्स और मैसी फॉर्ग्यूसन 245 DI को इस एरो में हम कल चला कर देखेंगे। किसान भाई यदि हम इसके हुक की बात करें यानी कि ट्रैक्टर में जोड़ने वाले पार्ट की,
तो किसान भाई अब इसकी सेटिंग गिल्ली जमीन में जुताई करने के लिए की गई। आप देख रहे हैं ये नीचे लगाई गई है हुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यदि हमें कठोर जमीन में की जुताई करनी है तो हमें ये यहाँ से निकाल के यहाँ पर डाल लेनी है, तो एरो पूरी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यह नहीं है कि ऊपर ऊपर चलेगी। तो किसान भाइयों यही था इस एरो का रिव्यू। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो किसान भाइयों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।